नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने सौंपा अपने उत्पीड़न को लेकर ज्ञापन। आपको बता दें, आज बहराइच में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ड्यूटी BLO में लगाई जा रही है, जबकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की किसी भी दिशा में गैर विभागीय कार्य में ड्यूटी न लगाई जाए। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आइए डालते ब्यूरो चीफ शाहिद सईद की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की। आपका है, क्या समस्या है? मेरा नाम सुनीता आर्या है, मैं संयुक्त मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री, ये लगभग सभी प्रदेशों में आज ज्ञापन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम से। और ये BLO की ड्यूटी की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज के समय में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को BLO में घसीटा जा रहा है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार जो है राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, दोनों ने इस चीज़ के लिए जो है हिदायत दी है कि गैर विभागीय कार्यों में आंगनबाड़ियों को न घसीटा जाए। तो आपने इसके लिए आपने कहा नहीं अधिकारी से, प्रशासन सर? हम लोग तो हमेशा इस चीज़ के लिए कोशिश में रहते हैं। प्रशासन को भी मैंने कहा है, कई बार लिखित में भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आगे क्या करेंगे, आगे कदम क्या आपका है? अगर इसी तरीके से जबरदस्ती जबरन ड्यूटी में घसीटा जाता तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। ड्यूटी आप लोग नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सब लोग नहीं देंगे? नहीं, 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 नहीं। जितने लोग ना देंगे वो हाथ उठावे? सारे पूरे जिले के नहीं करेंगे। आप लोग नहीं देंगे ड्यूटी? नहीं, नहीं देंगे। यानी जिला अधिकारी कहते हैं तब भी आप कहना नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप उस जियो के अनुसार चलेंगे? जी, जियो के अनुसार चलेंगे।